हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं हम। तो आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है थ्रस्टर ब्रेक जो है उसको एडजस्ट करना कैसे है, वो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है जो थ्रस्टर की जो पार्ट है, कौन सा चीज़ को एडजस्ट करने पर ये सही तरह से काम करता है, वो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो ये है थ्रस्टर का टर्मिनल बॉक्स जहाँ पर पावर कनेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों वीडियो में लगे रहिए और चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये जो थ्रस्टर लगा है अभी, ये है ईओटी क्रेन पर्पस में लगा है। ठीक है, तो देख सकते हैं मोटर के साथ एक डाम लगा है, ये है ब्रेक डाम। इस ब्रेक डाम को ही हम ब्रेकिंग करेंगे। ठीक है, और जो है जो थ्रस्टर का शू है, देखिए यहाँ पर ब्रेक शू यहाँ पे लगा है और यहाँ पे लगा है, और जिस चीज़ में लगा है उसको भी एडजस्ट करना है, और जो थ्रस्टर ब्रेक में दो लेग आपको दिख रहा है उसको भी एडजस्ट करना है। चलिए अभी थ्रस्टर का जो पहला पार्ट है आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो दोनों लेग में जो रॉड लगा है, ये है टाई रॉड। ठीक है, तो क्या करना है, ये जो टाई रॉड है, टाई रॉड का जो नॉट है इसको ढीला करना है। ठीक है, एकदम ढीला छोड़ देना है। और सबसे पहले जो एडजस्ट करना है वो जो शू है, वो जो ब्रेक डार्म में लगा है, आप देख सकते हैं ब्रेक डार्म पे लगा है, उसको एडजस्ट करने के लिए आपको एक गुटका मिलेगा नीचे की, और वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए, अभी मैंने जो लेग है दोनों उसको एकदम ढीला छोड़ दिया। ठीक है, पूरा फ्री है देखिए। तो अभी क्या है, इसको शू को एडजस्ट करना है, इसकी शू को। तो इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, ये ढीला हो गया। अभी देखिए, जो डाम है उसकी एकदम नीचे देखिए, जो ये यहाँ पे गुटका है। ठीक है, ये जो गुटका है ये इसको ढीला करना है। सबसे पहले इसको ढीला करना है, जो शू लगा है जिसमें ना, उसको एडजस्ट करना है। वो पूरी तरह से डाम में चिपकना चाहिए एकदम, तो इससे ही उसका एडजस्टमेंट होगा। ये पूरा ढीला रह जाएगा तो क्या होगा, देखिए ब्रेक जैसे जब ओपन होगा ना, तो क्या है, शू का जो ऊपरी हिस्सा है वो ब्रेक डाम में आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला नहीं आएगा। तो क्या है, इसको एडजस्ट करना है। तो अभी जो है इसको फिर से टाइट करना है। जब इसको ढीला कर दिया है तो फ्री हो गया, तो टाई रॉड को फिर से टाइट कर देना है। ये आपको दोनों तरफ ही मिलेगा, देखिए इस शू में भी है और दूसरे वाला शू में भी है। अभी ये ढीला है एकदम, देखिए, और ये जो है सरफेस में पूरा आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपको देखना होगा और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है। अभी क्या करेंगे दोस्तों, ये जो टाई रॉड है इसको टाइट कर देंगे, और जैसे टाइट करेंगे शू है ये पूरा डाम पे चिपक जाएगा। ठीक है, ये देखिए एकदम पूरा चिपक जाएगा, और नीचे जो गुटका है उसको ढीला कर दिया है इसलिए पूरा चिपक गया। अभी क्या है, इसको पूरा उसमें टच करके उसको टाइट करना है। ठीक है, जो शू का जो यूनिट है वहाँ पे टच कराना है, जो गुटका है, ताकि ब्रेक अभी जो है रिलीज़ होगा तो ये नीचे नहीं आएगा, ये एकदम इस 00 में ही रहेगा। ठीक है, दोनों को ही करना है, इधर का भी और उधर का भी, दोनों का ही करना है। फिर इसको पूरा एकदम टाइट कर देना है फाइनली। फिर आते हैं, देखिए ये जो है बोर्ड लगा है, इधर से थोड़ा असुविधा है, दूसरे एंगल से दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा है। ठीक है, दोनों लेग में ही दो बोर्ड लगा है, इधर में भी है और देखिए इधर में भी है बोर्ड। दोस्तों, ये जो बोल्ट है जो लेग में लगा है, इसका गुरुत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब थ्रस्टर की मोटर ऑन होगी तो जो ऑयल होगा वो पाम करके ऊपर थ्रस्टर को ऊपर भेजेगा, तो पहला लेग ये ओपन होगा। ठीक है, और फिर जो है देखिए, ये बोल्ट जो है ये नीचे जाके टच करेगा, फिर दूसरा लेग को ओपन करेगा। तो इस जो बोल्ट है ये बोल्ट एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और अभी मैं अभी ऐसे दिखा रहा हूँ, जब आपका फाइनल हो जाएगा तो इसको बढ़िया से टाइट कर लेना है। तो देखिए, पहला वाला जैसे कर लिए, फिर दूसरा वाला जो है, दूसरा लेग का जो बोल्ट है वो भी आपको सही तरह से जो नीचे है थोड़ा गैप बना के रखना है, फिर जो है आपका सही तरह से एडजस्ट हो पाएगा। तो मैं इसको थोड़ा रेडी कर लेता हूँ, फिर आपको मैन्युअली थोड़ा ओपन करके दिखाएंगे। तो देखिए, मोटर ऑन होगा, फिर ये धकेलेगा, ये लेग
ओपन होगा, ये बोल्ट इधर नीचे आएगा, फिर दूसरे को वापस भेजेगा, तो पूरा एकदम जो ब्रेक डाउन है एकदम फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है दोनों का दोनों शू एकदम सही से एकदम खोलना चाहिए 0-0। ओके, तो इसको मैनुअली आपको दिखाते हैं कैसे ओपन होता है। अभी जो है शू देखिए डाम में पूरा चिपक के रहा है, तो मैनुअली थ्रस्टर को थोड़ा ऊपर खींचने से ये आपको पता चल जाएगा। देखिए जैसे खींचेंगे तो देखिए डाम में गैप बना है, 1.5 मिलीमीटर गैप बन गया है। ये टच किया है, फिर जो दूसरा वाला लेग है वो भी ओपन हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी ओपन हुआ है। तो आपको इस तरह से इसको एडजस्ट करना है, पहला जो है शू एडजस्ट करना है और दूसरा जो है लेग एडजस्ट करना है। और एक चीज़ आपको दिखाएंगे थ्रस्टर में, ठीक है, ये जो बोल्ट है अभी फाइनली आपको टाइट करना है दोनों तरफ ही। ठीक है, चलिए अभी थ्रस्टर का जो तीसरा पार्ट है वो दिखाएंगे। ये जो स्प्रिंग लगा है देखिए यहाँ पे एक प्लेट और नट के थ्रू दो स्प्रिंग लगा है, ये दोस्तों लगा है जो थ्रस्टर है, ये जब मोटर ऑन होगा ये ऊपर आएगा। ठीक है, और तुरंत खींचने के लिए ये स्प्रिंग लगाया है। आप इसको टाइट ज़्यादा करोगी तो ये मोटर ऊपर नहीं जा पाएगा, तो आपको इसको देख के ही एडजस्ट करना है कि मोटर लोड ले सकता है, ऐसे एडजस्ट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको थ्रस्टर ब्रेक एडजस्ट करने का थोड़ा बहुत मदद मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट।